इंद्री के गांव खूखनी में भाजपा सरकार के विकास कार्यों के बारे में भाजपा के किसान मोर्चा के जिला महामंत्री नरेंद्र गोरसी ने गांव में नुक्कड़ सभा कर मनोहर लाल सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास को लेकर मनोहर लाल ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को साकार करने के लिए हम सब उनके साथ खड़े हैं और जो नई नई योजनाएं मनोहर लाल खट्टर की सरकार लेकर आई जनता को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता में बहुत उत्साह है, जनता को ऐसा लगने लगा है कि आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। कांग्रेस के नेता जो आज ये बात कहते हैं कि मनोहर सरकार में विकास कार्य नहीं हुए हैं, हरियाणा में विकास कार्यों की झंडी लगी हुई है, सभी सड़कों को नए सिरे से बनाया गया है और खिलाड़ियों के लिए इंद्री में स्टेडियम स्विमिंग पूल बनाया गया है जो युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भाजपा के किसान मोर्चा के जिला महामंत्री नरेंद्र गोरसी ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। मनोहर लाल राज में अनुसूचित जाति के लिए योजनाओं का डिजिटलाइजेशन होने से जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है वहीं यह सभी योजनाएं उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही हैं जो उसका हकदार है। आज से पहले योजनाएं कागजों के पेच में ही फंस कर रह जाती थी, समाज के निम्न वर्ग को उनका लाभ नहीं मिल पाता था। मनोहर राज में योजनाओं को ऑनलाइन और सरलीकरण अंत्योदय से जुड़े लोगों को मुख्य धारा में लाना है और भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आम व्यक्तियों के माध्यम से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत कार्यक्रम में आना हुआ है। और सबका विश्वास जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को साकार करने के लिए हम सब माननीय मनोहर लाल जी के साथ खड़े हैं और जो हर रोज नित्य नए नए योजनाएं अंत्योदय को लेकर माननीय मनोहर लाल जी दे रहे हैं उससे जनता में जबरदस्त उत्साह है। जनता को ऐसा लगने लगा है कि आम व्यक्ति की राजनीति में भागीदारी निश्चित हो गई। अरे कुछ देखो, ये कांग्रेसी लोगों का शुरू से एक परिपाटी रही है। जैसे अक्सर आप देखते भी हैं, खासतौर से पत्रकारों को तो पता है, कहते हैं राजीव गांधी जी ने खुद मान लिया था कि जो ऊपर से 100 रुपये दिए जाते हैं तो नीचे रहकर वो 5 रुपये रह जाते हैं। जब एक उनका सर्वे सर्वा व्यक्ति जो कि पार्टी को चला रहा था उसी ने मान लिया था तो उनका एक भ्रष्टाचार का इस प्रकार का प्रचलन है। और जब जो लोग भ्रष्ट होता है दूसरे को उसको ऐसे ही दिखता है, वो किया हुआ भी उसको नज़र नहीं आता। आज हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप करनाल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप एंटर होते हो तो आपको बस स्टैंड तक चौड़ी चौड़ी सड़कें नज़र आती हैं। अगर आप कैथल रोड से जाते हो तो चौड़ी सड़कें नज़र आती है। अगर आप इंद्री में एंटर करते हो तो वहाँ भी डबल रोड आपको नज़र आता है। कुंजपुरा में एंट्री करते हो तो वहाँ भी डबल रोड नज़र आता है। और जो पुल अंग्रेजों के समय के बने हुए थे, जो जर्जर हालत में थे, जो नहर के ऊपर बने हुए थे, आज उनका पूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण किया गया है दोबारा से और नया रूप उनको दिया गया है। इसके अलावा आप इंद्री विधानसभा में ही ले लो, इंद्री विधानसभा में आप जाते हो तो एक बहुत बड़ा पार्क है, हर्बल पार्क, जिसमें लोग शाम को घूमते हैं और उसमें कुछ एक्सरसाइज के लिए भी सरकार ने एक नया फार्मूला निकाला है कि ओपन जिम में वो सभी सुविधाएं हैं जो एक एयर कंडीशनर जिम में होती है और वो खासतौर से आम व्यक्ति को प्राकृतिक वातावरण में मिल रही है। इसके अलावा एक स्विमिंग पूल का निर्माण इंद्री में कराया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है। अब यहाँ पर क्या, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।